हर व्यक्ति के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े, जिनके लिए हमारे धर्म है अर्थात हमारा शरीर अगर किसी का काम आता है तो वहां देने में कोई दोष नहीं है। अगर गरीबों की सेवा करने के लिए हमें मिला है तो हमें सेवा करनी चाहिए, भगवान ने इसलिए भेजा है। मेरे भाई बहन, एक बहुत सुंदर पद है, आपको हम बताएं, आप जो गहना पहनते हैं कानों में, नाकों में, हाथ में, पैरों में गहना दिए हैं, उसी प्रकार सबको भगवान ने गहना दिए, बस उपयोग करना आना चाहिए। हाथ का गहना माता सत्य कर्म करना, वो सत्य कर्म करना। हाथ का गहना माता सत्य कर्म करना, वो सत्य कर्म करना। मुख का गहना माता ओ मैया, मुख का गहना माता राम राम बोलना, वो राम राम बोलना। लोकनाथ जी, ये भगवान ने मुख दिया है किसी को अशब्द वचन बोलने के लिए नहीं दिया है, राम 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 बोलना चाहिए। उसी प्रकार कान का गहना माता ओ मैया, कान का गहना माता हरि भजन सुनना, वो हरि भजन सुनना। आँख का गहना माता हरि दर्शन करना, वो हरि दर्शन करना। हाथ का गहना जो दिए हैं पुण्य करने के लिए है, मुख का गहना दिया किसी के बारे में बुराई करने के लिए नहीं दिया है, राम राम बोलने के लिए दिया है। कान का गहना जो दिए हैं भगवान ने सुनने के लिए दिया है, तो किसी की बुराई सुनने के लिए नहीं दिया है, राम कथा सुनने के लिए दिया गया है। आँख का गहना दिए हैं बुराई चीज को ना देखे, भगवान का हरि दर्शन करे, आप हरि दर्शन के लिए दिया गया है। माँ गंगा कही एक स्वर्श के पुण्य को मुझे देना होगा, और तुम जब दोगी तभी मैं यहाँ विराजमान रहूंगी। महताम च स्वभावो हियो परेशान हित मावहि को, सुवर्ण चंदनम चेचोर सस्तत्रम निदर्शनम। जिस प्रकार चंदन अपने आप को स्वयं मिला लेवे, और चंदन हम अपने मस्तक पर लगाते हैं, कितने सुंदर चंदन लगाते हैं, अपने आप को स्वयं चंदन नष्ट कर लेता है, और हम उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाते हैं। हम किसी के काम अगर आ जाए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों को काम आ जाए वही इंसान है प्यारे, और आप इंसान रहते इंसान ही काम नहीं आए तो आप तो पशु जिंदगी जी रहे हैं। गंगा कहे माँ, अगर लोक कल्याण के लिए अगर आप यहाँ विराजमान हो जाओगे माँ, और लोग जल अगर पीना चाहते हैं माँ, तो मैं लोक हित के लिए अपने एक वर्ष का पुण्य में देने के लिए तैयार हूँ। और मान सूर्य ने अपने पति व्रत जो किए उस पुण्य का फल स्वयं माँ गंगा को दे दिए, एक वर्ष का फल माँ, मैं एक वर्ष का पुण्य में आपको दे रही, और माँ गंगा को स्वयं दे रहे हैं, और गंगा माँ वही विराजमान हुई। महादेव आ गए गंगे, आज अनसुईया जैसे मैंने नारी नहीं देखे, आज अनसुईया तुमने एक वर्ष के पुण्य तुमने दे दिए गंगा को, आशीर्वाद है, जाओ यही गंगा बहेगी, यहाँ से गंगा बहेगी आशीर्वाद, और सब लोग इस गंगा का दर्शन करेंगे, सब लोग इस गंगा में डुबकी लगाएंगे। और ये गंगा का नाम, ये जल का नाम होगा मंदाकिनी नदी होगा। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी होगा। और कहा यहाँ एक शिवलिंग बनेंगे, जाओ एक शिवलिंग बाबा विराजमान रहेंगे, और उस शिवलिंग का नाम
अत्रिश्वर महादेव, अत्रि तुम यहाँ पूजन करोगे और मंदाकिनी नदी बहेगी और वही अत्रि के नाम से अत्रिश्वर महादेव हुआ है। इसलिए गंगा माता आप संभाल के रखिए, गौ माता संभाल के रखिए। जब गंगा गौ और गीता जब नहीं रहेगी तो हम भी रहने वाले नहीं है भाई बहन। मानो तुम गंगा मामू